वतन हमारा ऐसा है कि कोई छोड़ पाए ना, वतन हमारा ऐसा है कि कोई छोड़ पाए ना, रिश्ता हमारा ऐसा है कि कोई तोड़ पाए ना, दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है, हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान है। अब मैं गीत के लिए फायदा इतना सानिया को आवाज देती हूँ कि आए।
आराम जा हमारा चीनो अरब हमारा हिंदू।
सही व्यवस्था की लिख रही हूँ, जिसका अंजाम आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ ना रहूँ पर वादा है तुमसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। My name is Sheikh Tabassum. I wish you all a very happy Republic Day. Every year, India celebrated its Republic Day of all countries. This day is a free national festival of all countries. The Constitution of India is the supreme law of India. Our Constitution is the largest written constitution in the whole world. Dr. Baba Sahib Ambedkar is the father of Constitution. In the year 1950, the constitution was formed India into a secular and democratic based nation. Of this day, this year is 2022, we will celebrate the 73rd Republic Day of our India. Today we are a great republic. Republic means a country whose leader, the president, not have been possible. If our freedom fighters had not been declared and sacrificed for the independence of our country, I finish my speech with this couplet. Mere desh ka tiranga pehchan hai meri, mere desh ka tiranga pehchan hai meri, saans hai meri, dhadkan hai meri, kesar ki kaliyon mein masti chalakti hai, Kashmir ki wadiyon mein dulhan si lagti hai, दल झील का पानी आवाज है मेरी, मेरे देश का तिरंगा पहचान है मेरी। थैंक यू सो मच। रब के प्यारों कहिए
हसी साहेबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादमा, रब के प्यारो कही एक हसी साहेबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादमा, ए बहारे चमन तू सलामत रहे, बाग बाने चमन तू सलामत रहे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आज हम यहाँ यौमे जमहूरिया के पुरखलूस जलसे पर जमा हुए हैं। आज मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उनवान हमारे की शख्सियत पर है। मैं अपने तकरीर का आगाज इस शेर से करना चाहती हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर के जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। मौलाना हसन रूहानी का पूरा नाम सैयद फजल हसन था और इनके वालिद का नया नाम सैयद अजल हसन था। हसन रूहानी की विलादत 1875 में हुई और वफात 1951 में हुई। सिलसिले रिस्बत में हजरत इमाम अली मूसा काजम रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। महान हिंदुस्तान में पैदा हुए, मैट्रिक वहीं से किया, फिर बीए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से किया। तहरीके आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, इसलिए बाद में फरार लिए गए और कई बार जेल भी जाना पड़ा। आप बेबाक और दरवेश विश्वास स्थान थे। सियासत में हिस्सा लेने के साथ साथ शेर व आदाब की खिदमत भी की। हजरत महानी जदीद इंसान वजन के शायर थे। सनफ गजल के हवाले से इनकी शानदार खिदमत के सबब इन्हें रईस अल मुंतगज़िन कहा जाता है। आपने एक रिसाले उर्दू मुअल्ला जारी किया। आपका कलाम कलियात हसरत के नाम से शाया हो चुका है। नुकात सुगन आपकी मशहूर किताब है। तकसीम हिंदुस्तान के बाद मौलाना हिंदुस्तान ही में रहे। तकसीम के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इनका वजूद बहुत बड़ा सहारा था। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में एक ऐसा वक्त भी आया जब मुसलमान हजरत रूहानी के अलावा कोई ऐसा मेंबर ना था जो मुसलमानों के जज्बात की तर्जमानी करे। मौलाना ने 75 बरस की उम्र में लखनऊ में वफात पाई और वहीं बाद मौलाना अनवार में दफन हुए। औलाद में 5 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं। मौलाना की जिंदगी सही मायनों में एक मर्द मुसलमान की जिंदगी थी। इनका जाहिर बातिन यकसा था। मौलाना जिस बात को अपने नजदीक हक समझते थे उनको बगैर किसी तामुल के, बगैर खिताए बढ़ाए, बगैर अनुवाद के और किसी मसलहत और मौके का इंतजार किए बगैर कह देते थे। मौलाना ने माली असरत के बावजूद 11 हज किए और 12 मरतबा मदीने में हाजिरी की। मौलाना की तसानीफ में शराय दीवाने वाले, मतरुकात सुफन, मुशाहदात के जिंदार, इंतखाब सफर और एक दीवान शामिल है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करना चाहती हूँ। आन देश की, शान देश की हम संतान हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दस्तूर का आगाज है यौमे जमहूरिया, कानून की आवाज है यौमे जमहूरिया। हजरत सामाई, 26 जनवरी दर हकीकत ख्वाबों की ताबीर का दिन है और यौमे एहतिसाब भी है। यानी हम गौर करें और सोचें कि हिंदुस्तान किन ख्वाबों की ताबीर था और वो ख्वाब किस हद तक पूरे हुए, ताकि वो मकासिद हमारी नज़रों के सामने आए। जिन मकासिद के पेश नज़र हमारे अकाबरीन ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों का नजराना पेश किया और जुनून जिगर से गुलिस्तान हिंद की आबादियाँ की, क्योंकि इस एहसास मंजिल ही बेहसी का जंग तोड़ता है और हरकत का जज्बा भी पैदा करता है। सामाई नगराम, यौमे जमहूरिया एक कौमी दिन है जिसे पूरे मुल्क में बड़े जोश व खलोस से मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हिंदुस्तान के आइन का निकास अमल में आया था और इसके साथ ही एक जमहूरी तर्ज हुकूमत का आगाज हुआ। इसीलिए आज के दिन को यौमे जमहूरिया कहा जाता है। सामाई, दस्तूर हिंद में हमारे मुल्क को एक सेक्युलर स्टेट कहा गया, यानी ये मुल्क मजहब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा
और तमाम मजहब का एहतराम जरूरी होगा और मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और जात पात और मजहब की बुनियाद पर किसी को शहरियत के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हर हिंदुस्तानी शहरी को उसका हक अदा किया जाएगा। इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दीगर तमाम मजहब के लोग अपने अपने मजहब पर अमल करते हुए एक मुश्तरक बड़ी खूबसूरत गंगा जमनी तहजीब को फरोग दे रहे थे और मुल्क तरक्की कर रहा था। लेकिन वतन अजीज को न जाने किसकी नजर बद लग गई, हर तरफ बदअमनी और बेचैनी फैली हुई है। कुछ लोग हैं जिन्हें कौमी यकजहती रास नहीं आती और हिंदू मुस्लिम एहतियात को पारा पारा कर देना चाहती है और गंगा जमनी तहजीब को तार तार कर देना चाहती है। मेरे अजीजों, कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए, जमहूरत की बका के लिए और आइन की तहफ़ के लिए हमें मुस्तमिद होकर इन हालात का मुकाबला करना होगा ताकि एक बार फिर हमारा मुल्क आज का यह दिन 24 जनवरी और इसकी मुनासिबत से शहर फैजाबाद सरजमीन औलिया पर मस्जिद के तालान में ये खुसूसी खवातीन का आज का ये इज्तिमा जो जश्न जम्हूरिया के मौके पर जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है, मैं आप तमाम खवातीन को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये नई तारीख रकम की है कि खालिस जश्न जम्हूरिया का प्रोग्राम खालिस खवातीन मनाए। मुझे नहीं लगता कि ये प्रोग्राम ऐसा कहीं और हुआ होगा कि कोई किसी प्रोग्राम को खालिस खवातीन मनाए। यह आपके लिए मुबारकबाद है। 26 जनवरी का मौका है और तमाम तकरीरें हमारी बहनों ने कर लिया है, तारीख आ चुकी है, हालात आ चुके हैं और अल्लामा इकबाल के कलामात आ चुके हैं। लेकिन चूंकि अब खड़े हैं तो बोलना भी जरूरी है और अगर बोलना है तो फिर हकाई का बोलना उससे ज्यादा जरूरी है। 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जब पूरा मुल्क एक हकीकत में आजाद होता है, इस मुल्क को अपना कानून मिलता है और 26 जनवरी खालिस तिरंगा एक दिन फहराने के लिए नहीं होता। 26 जनवरी के पीछे एक तवील तारीख है और इस तारीख के सफहात को पलटना उलटना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर जो हम तारीख को भूल जाएंगे तो हम हालात में जिंदगी पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बड़े ये कहते हैं कि अगर हालात में और जो इस वक्त में चलना है तो हमको तारीख के झरोखों से रोशनी लेनी होगी। 26 जनवरी का ये मौका, इससे पहले 15 अगस्त होता है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमको आजादी मिली है, लेकिन आजादी किससे मिली है, हमको कितनी जद्दोजहदें करनी पड़ी है, ये बात हमको समझनी होगी। 1601 में अंग्रेजों ने इस मुल्क के हिंदुस्तान में पहला कारोबार लेकर आया और वो आए कारोबार के बहाने से, वो आए कि हम सिर्फ बिजनेस करेंगे, हम कारोबार करेंगे, हम अपना पेट भरेंगे, वो मुफलिस बनकर आए थे और उन्होंने 1601 के बाद अपने आप को इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर फैलाना शुरू किया, मजबूत करना शुरू किया। लेकिन एक हस्ती दरमियान में आ गई जो इस जमीन मोहम्मदाबाद में हमारे यहाँ मैथिली क्लास में मैथिली बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाती है, सिविल क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक सबका नेचर बहुत अच्छा है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जाति में वैसा कुछ भी नहीं है, सबके लोगों में सब स्टूडेंट एक जैसे है, नर्गिस चारियों की तरफ से गरीबों को मदद की जाती है। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा,
आवाज देती हूँ कि आए।